जहां पर 12 घंटे की बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी किनारे बसे मकानों में पानी भर गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को खाली कराने में जुट गई है और शहर के कई बस्तियां टापू में तब्दील हो गए हैं। नेशनल हाईवे रायपुर और जबलपुर मार्ग बंद हो गया है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पानी का किस तरह से कहर नजर आ रहा है और जो नदी के किनारे जो मकान बने हुए थे उन मकानों में पानी भर गया है और रायपुर जबलपुर का जो मार्ग है वहां से संपर्क भी टूट गया है और पुल पुलियाओं पर ज्यादा पानी भर जाने के कारण आवागमन लगभग बंद सा हो गया है और जिसके कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी है। और हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह हम कवर्धा की बात करें, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पानी का जो कहर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा शरद जी की जिले में जो है लगातार 24 घंटे से ज्यादा हो गए बारिश होते हुए, जिसके चलते यहाँ के जो नदी और नाले जो है उफान पे है। वही जो नदी किनारे जो बसे हुए हैं लोग, उनके मकानों में काफी पानी घुसा हुआ है और जो शहर के अंदर जो जो बस्तियां हैं वो पानी में जो है पूरा डूबा हुआ है, तो कहीं कहीं जो है टापू दिखाई दे रहा है। और प्रशासन ने भी यहाँ पे जो कुछ स्कूल है उनको भी छुट्टी दे दी गई है और प्रशासन के अमले जो है और पुलिस प्रशासन के अमले जो है वो लगातार निगरानी कर रहे हुए हैं। वहाँ के जो नदी किनारे जो बसे मकान है उनको खाली करा लिया गया है और नेशनल हाईवे भी जाम है, तो काफी लंबे जो है गाड़ियों की लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है। हालांकि अब बार जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसके कारण से जो है लोगों को कुछ राहत मिल सकता है। जी, क्या लगता है, जिस तरह आप राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो संपर्क की बात करें, जबलपुर रायपुर का जो मार्ग है वो लगभग बंद सा हो गया है, जिसके कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है, तो क्या परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को वहां पर? देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है जिले में, वो नेशनल हाईवे के पुल के ऊपर से जब बाढ़ बह रही है तो जिसके कारण से यहाँ की जो आवागमन जो व्यवस्था है उनको प्रशासन ने रोक दिया गया है, जिसके कारण से यहाँ के जो लंबी लाइनें जो है लगी हुई है। हालांकि कुछ लोगों को आने जाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लेकिन दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन का साफ तौर से कहना है अगर कहीं अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो कुछ जान भी जा सकती है। इससे पहले भी एक दो और घटना हो चुकी है जिसके कारण से प्रशासन पहले से ही इतलाही दे दिए हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। खबर सिंगरौली से, जहां पर एसआर पावर प्लांट का डैम